हम बम्बई गए हलियो पूछलिए कहाँ से हलियो अरे दू सौ टेम्पू लेके हमारा स्वागत कर लो पीला पीला रंग हमने पीला रंग हम पूछलिए कहाँ से है एक आवाज निकल ले 200 के दूसरे आदमी बोल रहा है हम बरकट्ठा से बिल्कुल सही यानी हमनी के भाई हमनी के चचा हमनी के मामा हमनी के फूफा हमनी के मौसा कहाँ हो महाराष्ट्र में टेम्पो ड्राइविंग करो आ तो चल जाओ जितना भी बड़ा ठीका जितना भी बड़ा आउटसोर्सिंग जितना भी बड़ा सरकारी व्यवस्था भई गलो हर जगह के अलो यूपी से अलो बिहार से अलो बंगाल से अलो गुजरात से अलो राजस्थान से अलो तो एक बात बताओ झारखंड की हमने घंटा बजवा चला आज मीडिया बोलो ना ये लड़का भड़काता है झारखंड बिहार का बात करता है झारखंड यूपी का बात करता है हम कहाँ गलत बात बोले भाई हमने के यहाँ जितना जम तो महाराष्ट्र में कलकत्ता में लगभग यहाँ जितना हमारा बुझा 100% के परिवार से कोई ना कोई हो हम डायरेक्ट ना ही तोर मौसा है तोर मामा है तोर फूफा है तोर काका है कोई ना कोई महाराष्ट्र में हो ना आप पता हो तो आप अच्छा बड़ा सरकारी नौकरी करता हो तो नहीं बोल जाओ कल से आप भाषण भी ना दबाई आप ना ही नेतागिरी करे के बात कर भाई तो नहीं बताओ जब हमने वहाँ लगभग 5 लाख में महाराष्ट्र में हमने कितना ही है लगभग 5 लाख ही है क्योंकि कोरोना में 1,78,000 के सिर्फ रजिस्ट्रेशन में लगे यानी सरकारी आंकड़ा में हमने 2 लाख ही है तो हमारा बुझा 5 लाख हते सब मिलाई के यानी हमने 5 लाख झारखंडी महाराष्ट्र में ही है जगह में बरकट्ठा से हमारा बुझा है लाखों हजारों के संख्या में है तो नहीं बताओ कोई 20 साल से कोई 27 साल से कोई 30 साल से रहा है कि तोहनी मराठी बोल ली बल्ली कि तोहनी मराठी बोल ली तोहनी 30 साल रहने बाद मराठी नहीं बोल ली तो कोई खूंटा गाड़ दे ले कोई बिहार कोई यूपी के आदमी झारखंडी कैसे बताए तो हम ये बताए दे भाई कैसे इंसाफ करते गलत है कि नहीं हम तो खुले बोला ये कि बिहार हमारा बड़ा भाई है संविधान की दृष्टि से कानून की दृष्टि से बिहार हमारा बड़ा भाई है लेकिन यदि बड़का भैया में और छोटका भैया में अगर बंटवारा भाई गला है जमीन जायदाद के बंटवारा भाई गला है तो की बड़ा भाई छोटका भैया के पत्नी के कहता है कि हमारे घर वाले थे बंटवारा भाई चुकल है यदि अगर मन है अभी हाजिरी लेके जीताए या समझौता करके जीताए कोई दबाव में नहीं जीते या फिर बड़ा भाई छोटा भाई के जमीन में हाथ चले पाए छोटा भाई के जमीन में हाथ चलता है तो बिहार हमारा बड़ा भाई लगे कोई अधिकार नहीं है हमारे किसी भी जो हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है इस राज्य में जो बाकी राज्यों का है किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता बंटवारा हो चुका है सीधी बात है बंटवारा भाई भाई में 2 भाग हो चुका है बड़े भाई के हिस्से में 54% जमीन है यानी 93,000 वर्ग किलोमीटर छोटा भाई यानी झारखंड के हिस्से में 46% जमीन है यानी 79,000 वर्ग किलोमीटर आप अपना 93,000 वर्ग किलोमीटर में पुदीना लगाइए चाहे ढीना लगाइए आप देखिए 79,000 का जमीन हमारा है वो बंजर है खील रहे या उसमें हम गोभी लगाए झींगा लगाए धनिया लगाए वो मुझे छोड़ दे दिए क्योंकि वो मेरा हिस्सा है सही लेकिन आज कोई कहीं चल लो कहीं चल लो जहाँ तोरा जाना हो सब जगह गैर राज्य के लोग अरे अब तो कोडरमा के बाजार पट्टी में अपनी हावी भाई गले बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि चाचा भतीजा अभी कह की रहा है तो हमारा उम्मीद है आप जनता के जनमानस के सोचे बतो कि चाचा भतीजा के विश्राम दे के और ऐसे भी आप बुढ़वाइन के पेंशन के टाइम लगे छोड़ के टेंशन हम लोग इस बात के हमने विश्वास दिलाई डाली हो यदि झारखंड में इन फ्यूचर किसी भी प्रकार से हमने अगर सरकार में आई लिए किसी भी प्रकार से आए लिए कर ले लिए अगर है लिए हमने नहीं कहा कि हमने आए के लिए तो हमने पहला काम नहीं करे बताओ जितना भी नेता है विधायक अपने के पेंशन बंद कर यदि राजनीति सेवा है तो पेंशन का है नेताजी जहाँ निकला है टी ए पी ए डी ए सी ए सब फंड जब मिलवे कर है और धोनी के जानकारी होना चाहे जनरल नया वेतन वृद्धि भाई रहा विधायक के ओकर बाद झारखंड के विधायक के सबसे ना वेतन रहते लगभग 2,88,000
सुन ले है ना, 2,88,000 झारखंड के विधायक के वेतन रह तो हमनी के बाल पुत्र हमनी के आने वाला भविष्य 2 रुपया जोगाड़ नहीं कर पा रहो। हमनी के माए मोसी हटिया में सब्जी बेच के नून तेल जोगाड़ कर रहो और अपने 2,88,000 के पेमेंट ले तो इस शर्म के बात है कि ना? पेंशन भी लगभग 50,000 लगत, इसलिए अगर नया हमनी नया जनरेशन है, चूंकि हमने पढ़ाई लिखाई कर रही है, यहाँ जितना जानो मनोज दार है, महेंद्र दार है, संजय दार है, राजदेश सर है, सब हजारीबाग में रहले हो, हजारीबाग की हवा पानी जान हो कि किस प्रकार वहाँ पढ़ाई में है, किस प्रकार वहाँ हॉस्टल में रहा है, किस प्रकार चौड़ा घाट से लेक के पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार मैया सब्जी बेच के अपना पैसा दे है तब बचवन जाए वहाँ पढ़ाई कर रहा है, दर्द के हमने जाना है, हमने समझा है, इसीलिए यदि बदलाव भेलो, यदि हमने के राजधानी में मौका मिल रहा तो इस बात के आश्वस्त कराई है कि विधायक यदि पेमेंट भी रहता है ना तो थर्ड और फोर्थ ग्रेड वाला रहता है, 2,88,000 नहीं रहता, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के वर्कर के पेमेंट रहा है, वही विधायक क्या लोग चाहिए, वही विधायक क्या होना चाहिए, पेंशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, काहे का पेंशन भाई, 5 साल रहे या पेंशन लेवे, कोई बेटा 60 साल से अपन चुईल पकाए जलाए पेंशन ओकरा मिलना चाहिए, पेंशन वृद्धा पेंशन होना चाहिए, विधवा पेंशन होना चाहिए, विकलांग पेंशन होना चाहिए, हमरा बुझाए कि सब लगते की पेंशन जितना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, लेकिन ककरा मिल रहा लो।